हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की मेरी रेसिपी है लौकी और चने की दाल की। तो यहाँ देख लीजिए सब्जी कितनी टेस्टी बन के रेडी हुई है, और देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी। और बहुत ही आसान तरीका है, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम उसकी बनाना इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम लौकी लिया है, और इसको हमने वॉश करके इसका जो छिलका होता है हमने उतार लिया है। और इसे हमने दो भाग ऐसे हमको ऐसे ही काट लेना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है और ना पतला ही करना है। तो एकदम मीडियम साइज़ में हमने काट लिया है लौकी को, और हमने पहले से वॉश किया था, और एक बार हमने और वॉश कर लिया है। चने की दाल ली हुई है, रात में भिगो दी थी, फूल गया है, वॉश भी कर दिया हमने अच्छे से। यहाँ पे हमने एक कटोरी बारीक प्याज ली है, काट लिया है, और यहाँ पे हमने टमाटर ले लिया है। यहाँ हमने मिर्चा, लहसुन, हींग, जीरा, तेज़पात का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो रहा है, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 से 3 तेज़पात, और यहाँ पे हमने हरी मिर्च ऐड कर दिया है। एक हमने इसमें डाला है लाल वाली मिर्च। अब इसमें ऐड कर देंगे अदरक, जीरा और लहसुन और हींग। ठीक है, हमने तीनों चीज़ कंटिन्यू डाला है, बस आपको ऐसे ही कर देना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, और आप सबसे सॉरी भी हूँ क्योंकि थोड़ा हमारा वीडियो जो है डिले हो गया। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अब प्याज, और इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे, इसे ब्राउन होने देंगे। तो देखिए यहाँ प्याज का कलर जो है चेंज हो चुका है, और यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया। इसमें हम ऐड कर देंगे अब टमाटर। हमने टमाटर 2 से 3 ही बारीक काटी थी। तो चलिए अब इसमें ऐड करेंगे नमक। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, आपको स्वाद के अकॉर्डिंग डालनी है, पर लौकी में ज़्यादा नमक नहीं अच्छी लगती है। और इसमें हमने ऐड कर दिया है हल्दी 1/2 चम्मच, और रेड चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। तो इसे भूनेंगे 2 मिनट तक अच्छे से एकदम। तो देखिए यहाँ पे मसाला भून के रेडी हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे चने की दाल, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, क्योंकि ये जो चना है थोड़ा टाइम लगेगा गलने में, तो आपको ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा, और मसाला भी पके इसलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से मसाला पक चुका है। और इसमें हम ऐड कर देंगे अब लौकी। तो सारी लौकी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से हम मिक्स करके 5 मिनट तक भूनेंगे। सीटी नहीं लगानी है आपको, ढक के ही भूनना है। तो इसे अच्छे से हम भूनेंगे कुछ टाइम। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा भून जाने के बाद इसमें हमने ऐड किया है गोल्डी मसाला लगभग 1.5 चम्मच। ये थोड़ा सा भाप की वजह से धुंधला दिख रहा है आपको, तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी सब्जी बन के रेडी होगी ये। आप एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लौकी की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन एक बार ये तरीका ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो तरीका आपने एक बार यूज़ किया ना, तो बाकी पूरा तरीका भूल जाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पर हमने कर लगभग 10 मिनट तक पका लिया है, और इसमें हमने थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी ऐड किया है।
फिर से हमने पानी इसलिए ऐड किया है क्योंकि लौकी जो है थोड़ा सा गलेगा और ग्रेवी तो चाहिए ही, ये तो पानी खुद ही छोड़ देगा लौकी, लेकिन उतना नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं, छोटे वाले गिलास से एक गिलास, एकदम छोटा सा जो होता है चाय वाली गिलास उसी से। तो देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, एक सीटी ही हमने लगाया था। तो देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में भी बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।